नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज़, निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और बिना ड्राइवर के कार चलेगी और लोग कार में आराम से बेफिक्र होकर बैठ पाएंगे और सफर का आनंद भी ले पाएंगे। कई फिल्मों में आपने इस तरह की कार्स को देखा होगा जिन्हें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब ये फ्यूचर कार सड़कों पर उतर चुकी है। अमेरिका में जी न्यूज एक ऐसी ही फ्यूचर कार का जायजा लेता दिखा जिसमें बैठने के बाद ड्राइवर बेफिक्र होकर आराम कर सकता है। और इस कार की जो खासियतें हैं, जो इस कार की सारी खासियतें हैं, वो जानकर आप हैरत में आ जाएंगे। इस फ्यूचर कार के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ दो मिनट के इस रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे किस तरीके से इस फ्यूचर कार को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। इसकी खासियतें इस रिपोर्ट में। रियल लाइफ की गाड़ी रियल में। ड्राइवरलेस कार आपने फिल्मों में देखी होगी, कई सारी बॉलीवुड फिल्में बनी जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ड्राइवर सीट पे कोई नहीं बैठा, लेकिन ये रियल वर्ल्ड है। ये दुनिया उस सच की है जिस सच में आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कोई इल्यूजन नहीं है। ड्राइवरलेस कार सुपर रफ्तार, इंजन नहीं सॉफ्टवेयर वाली सवारी। दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज वेरी ट्रू। धन्नो अमेरिका में भी सुपर है और मैंने इस गाड़ी का नाम भी धन्नो रखा हुआ है। धन्नो रखा हुआ है। धन्नो द वंडर कार। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। ये कार नहीं स्मार्ट कार है और अमेरिका में इस कार को कहते हैं दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। क्यों? ये देख लीजिए, मैं यहां बैठा हूं और बिना ड्राइवर के ये कार चल रही है, आगे बढ़ रही है। और इसीलिए हम आज इस कार का एक पूरा डेमोंस्ट्रेशन लेके आए। देखिए, मैं उतर गया हूं और फिर भी ये कार चल रही है। ड्राइवरलेस कार आपने फिल्मों में देखी होगी, कई सारी बॉलीवुड फिल्में बनी जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ड्राइवर सीट पे कोई नहीं बैठा, लेकिन ये रियल वर्ल्ड है। ये दुनिया उस सच की है जिस सच में आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें कोई मैजिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैजिक जरूर है। आज एक पूरी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट इस कार के साथ। एक ऐसी कार जिसमें बैठकर उसे ड्राइव करने का झंझट ना रहे, ना क्लच दबाना हो, ना ब्रेक, ना स्टेयरिंग घुमानी हो, ना एक्सीलेटर पर पैर रखकर बार बार स्पीड को कम और ज्यादा करना पड़े। ट्रैफिक भरी सड़कों पर यह सोचकर भी आपको सुकून आ जाएगा। हिंदुस्तान में भी ऐसी कारें आने वाली हैं, लेकिन अमेरिका की सड़कों पर ऐसी कार रफ्तार भर रही हैं। और आज हम आपको इस वंडर कार पर वॉशिंगटन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम इस वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन में हैं और ये कैपिटल हाउस बिल्डिंग है, अमेरिका का संसद। उसके ठीक सामने एक ऐसा डेमोंस्ट्रेशन जिसको देखने के बाद आपको लगता होगा कि सिर्फ फिल्मों में ऐसा नहीं होता कि स्मार्ट कार बिना ड्राइवर के चलती है। एक स्मार्ट कार यहाँ है ऐसी जो बिना ड्राइवर के लगातार चलती रहती है और आपको सिर्फ एक ऑटो पायलट मोड, कहते हैं ना, प्लेन में आप जब हवाई जहाज में होते हैं तो उसका एक ऑटो पायलट मोड होता है, इस कार में भी एक ऑटो पायलट मोड है। कैसे काम करता है, भारतीय करेंसी के हिसाब से कीमत क्या है, क्या क्या इसकी खासियतें हैं, हमारे साथ कमल यादव हैं, मूल रूप से भारत के हैं,
यहाँ के रहने अब यहाँ रहते हैं कई वर्षों से, और ये कार, इस कार के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि अमेरिका में इस कार के बारे में कहा जाता है। नो नो, दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाउ, व्हाई यू वी से इट अ सॉफ्टवेयर? एसेंशियली दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार, इट इज फोर व्हील्स, चार पहियों ने लगा दिए हैं, एक बॉडी लगा दी है, बट इंटेलिजेंस इज बिल्ट इन बाय वर्च्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इसमें, और जैसे आपका आईफोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, यू नो रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, वैसे इस कार में एवरी थ्री वीक्स फोर वीक्स एंड न्यू फीचर कम्स इन, दे विल सेंड द सॉफ्टवेयर इन योर कार एंड इट विल गेट डाउनलोडेड और नए फीचर्स में एनेबल हो जाएंगे। सो एवरी टाइम इज एक्साइटमेंट कि अब क्या फीचर इसमें ऐड होने वाला है, जस्ट लाइक योर आईफोन, जस्ट लाइक योर कंप्यूटर। ये खुद ही सेंस कर लेता है उसके अपडेशन को या उसका जो ये खुद मैसेज भेजता है कि आपको जो है अभी अपडेट कर लें या रात में 3 बजे जब आप सो रहे हो तब फिक्स कर लें, स्केड्यूल कर देंगे यार। इस कार को लग्जरी ऑफ व्हील कहा जाता है। इसको चलाना नहीं पड़ता, इसलिए मुझे गाड़ियां चलाने में परेशानी हो रही है। इसे चलाने वाले ये भी कहते हैं कि इस कार की एक बार सवारी करने के बाद दूसरी कारें चलाने का दिल नहीं करता। इसकी खासियत यह है कि जब आप बैठते हैं इसमें और जब ये चलती है तो कई बार ये कहते हैं कि हम इसको जब ऑटो पायलट मोड में डालते हैं तो ये सेंस करती है। एवरीबॉडी नोज कि एवरी कार हैज अ बैक साइड वेयर यू कैन यू नो वी कैन सी द बैक फर्स्ट, वी कैन सी द बैक फर्स्ट, सो दिस इज अ टिपिकल। देखिए कार में होता क्या है, पीछे जब आप डिक्की खोलते हैं तो सामान होता है, तो ये पीछे से एक आम कार की तरह है, एक ऑर्डिनरी कार जैसे होती है जिसमें पीछे का जब डिक्की आप ओपन करते हैं, पीछे का ये हंक जब ओपन करते हैं तो इसमें आपको सामान दिखता है, और आगे जब आप कार का बोनट खोलते हैं तो वहाँ क्या होता है, इंजन, वहाँ मशीनरी होती है। इस कार में आगे बोनट खोलने के बाद क्या दिखता है, आइए दिखाते हैं। There is hardly any engine. Look at no engine in the car. This is a complete total electric car. और ये electric car, इस electric car में पीछे सामान रखने की जगह और आगे भी सामान रखने की ही जगह है, क्योंकि इंजन नहीं है, मशीनरी नहीं है, क्योंकि ये एक स्मार्ट कार है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है, बैटरी और तमाम जो इसकी मशीनरी है वो इस हिस्से में होती है, इतने हिस्से में। लग्जरी कारों की सवारी हमेशा शानदार लगती है, लेकिन अगर आपकी कार में इंटीरियर, स्पीड और कंफर्ट के साथ इंटेलिजेंस भी हो तो उसका कोई तोड़ नहीं, और इस वंडर कार को इसकी इंटेलिजेंस सबसे खास बनाती है। इस वंडर कार में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 कैमरे लगाए गए हैं। सो दिस कार बेसिकली हैज 8 इंजन्स, सॉरी 8 कैमरास, सो देयर आर 4 कैमरास ऑन द साइड एंड 3 कैमरास इन द फ्रंट। 3 कैमरे सामने लगे हुए हैं बिल्कुल इसके इस पे डैशबोर्ड पे, और हर एक 2 कैमरे इस तरफ हैं, 2 कैमरे उस तरफ हैं, तो टोटल 8 कैमरास, 7 एंड 1+1 इन द बैक। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इस वंडर कार की बैटरी भी बेहद दमदार है, जो लगभग 5,00,000 मील तक इस वंडर का साथ देगी। द बैटरी इज 500,000 miles गारंटेड, कि 5,00,000 मील तक गारंटी बैटरी चलेगी, मतलब नॉर्मल उसका बैटरी का सेटअप आगे ही होता है, आगे नहीं, बैटरी का पूरी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, इसके नीचे लगी हुई है, उसका एक्सटेंशन आगे है जो आपने दिखाया था जो पहले। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं, जब अमेरिका में एक भारतीय ने इस वंडर कार को खरीदा तो उसका नाम क्या रखा, और मैंने इस गाड़ी का नाम भी धन्नो रखा हुआ है, धन्नो रखा हुआ है। हम लोग इसी मूवी से बड़े हुए हैं, गाने सुने हैं, सो आई सेड व्हाट शुड आई नेम माय कार, मैंने कहा धन्नो वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस कार, सो आई पुट इट दैट वे। इस वंडर कार की एक और खासियत है, अब इसके ड्राइवर को इस कार तक जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पर यह कार खुद अपने ड्राइवर तक पहुंच जाएगी। अब इस कार के सफर को शुरू करने से पहले हम आपको इस वंडर कार की कीमत भी बता देते हैं। इस कार की कीमत भारतीय करेंसी के हिसाब से, रुपए के हिसाब से कितनी कीमत है इस कार की? तो द कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बेस प्राइस इज $94,000। ओके, एंड देन विद एड ऑन अगर आपने अगल फीचर लिए हैं ऑटो पायलट वगैरह तो इट कम्स टू $107,000। तो उसको अगर आप राउंड अबाउट 80,00,000 रुपए की गाड़ी होगी, ये 80,00,000 की गाड़ी है। तो देखिए ये एक स्मार्ट कार, और जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार इसकी एक राइड पे भी चलेंगे, क्योंकि अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, पूरी पिक्चर क्या है और उस पिक्चर में और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आइए चलते हैं और देखते हैं कि वॉशिंगटन की सड़कों पे जब ये कार फर्राटे भरती है, दौड़ती है,
तो कौन से फीचर्स के साथ वो बाकी कारों से अपने आप को अलग करती है? चलिए अब आपको इस कार के सफर पर लेकर चलते हैं। We're inside the car and car is ready to go. It's like to take off. There is no key, there's no mechanism to press the key or turn the key. All you do is car को drive में डालें और car अपना चल। कार में मौजूद इस स्क्रीन को देखिए, ये इस कार का ब्रेन है। कार में बैठने के बाद सबसे पहले अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्राइविंग के लिए सेटिंग की जाती है। ये जो पूरा ये जो एक दिख रहा है, हाँ, मुझे तो इसको देख के लगता है जैसे किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठे हैं आप। ये इतनी बड़ी, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कार, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कार, ब्रेन ऑफ द कार। और इस कार में सारे फीचर हैं आपके, सस्पेंशन आपको ऊपर करना है, एडजस्ट स्पीड अगर लोअर करना है, 100 माइल से ऊपर जाना है नीचे, यू कैन मैनेज दोस, और अप एंड डाउन लाइट्स यू कैन मैनेज इन द फ्रंट। ओके, ड्राइविंग यू कैन चूज वेदर यू वांट चिल, यू वांट कंफर्ट, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स। लेट्स गो स्पोर्ट। सो नाउ द कार विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक, लेकिन आपको जो है स्पोर्ट्स का मजा देगी। अर्लियर इट वाज कंफर्ट लेवल। ओके, सो अभी एज यू आर यंगर गाय, दैट्स व्हाट यू नीड टू बी इन स्पोर्ट्स मोड। आई मीन वी आर ओल्डर पीपल, सो वी गो इन कंफर्ट मोड। किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए उसकी बैटरी चार्जिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कार एक बार फुल चार्जिंग के बाद 500 मील का सफर तय कर सकती है। इस वंडर कार की एक और खासियत है, किसी भी सफर की शुरुआत से पहले ये आपको इस बात की जानकारी दे देगी कि कार मंजिल तक पहुंच सकती है या नहीं। अगर रास्ते में आपको न्यूयॉर्क जाना है, फॉर एग्जांपल, वी आर इन वाशिंगटन डीसी, हम लोग वाशिंगटन डीसी में हैं यहाँ पे, और न्यूयॉर्क करीब है, करीब 235-40 मील पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कार विल टेल यू कि भाई न्यूयॉर्क आप नहीं पहुँच सकते। पहले बता देगा, बता देगा, बोलेगा आपको नियरेस्ट चार्ज स्टेशन पर ले जाऊँगा पहले मैं आपको, तो यहाँ से फिर आपको चार्ज करना होगा। हाँ, तो यहाँ से करीब 135 मील पे जाके गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, जाके इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू देयर। वंडर कार आपको ये भी बताएगी कि रास्ते में आपको कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, ताकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। इसके अलावा वंडर कार बनाने वाली कंपनी मदद के लिए मौजूद रहती है। आप कभी भी फोन करके कार और चार्जिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। Hey, I'm Kamal Yadav. Email address is kamal.yadav@3gfederal.net. Okay. And what are the last 6 digits of your car's name, Kamal? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जब इस वंडर कार को मैनुअल कंट्रोल से ऑटो कंट्रोल पर डाला जाता है तो किस तरह इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे पीछे मौजूद वाहनों को देखकर फैसला लेता है। Now the car is in autopilot mode. I am not driving the car. कार में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। All I have to do is बीच में हाथ लगाते रहो हल्के से, और as you can see, सामने वाली गाड़ी है उसके पीछे जाके ये रुक जाएगी गाड़ी। This car will stop by itself. अच्छा, आपको रोकने की जरूरत नहीं है इसको? कोई रोकने की जरूरत। I have not touched any control on the car. और सामने ही गाड़ी है तो अपने आप ये गाड़ी जो है अभी रुकी हुई है। This is the smart feature of this car. That's a smart feature and also I would say stress relieving feature. बैटरी से चलने वाली ये वंडर कार पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है। कार का कंफर्ट भी आपने देख लिया, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कार को तैयार करने में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लीस्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट बाय ड्राइविंग दिस कार, दूसरा ऑब्वियसली लग्जरी है, लग्जरी इज वेरी कंफर्टेबल। ऑल दीज सीट्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, ऑल इंटीरियर इज रिसाइकल्ड मटेरियल। अच्छा, हाँ, this is not a, this, जितनी चीजें इस कार के अंदर लगी हुई हैं सब रिसाइकल्ड हैं। जितने भी आप मटेरियल लेदर वगैरह जो देख रहे हैं, दिस ऑल दीज पैनलिंग, दीज आर ऑल रिसाइकल्ड मटेरियल। चलिए देखते हैं इस वंडर कार की स्क्रीन हमें क्या बता रही है। कार ने सिग्नल दे दिया कि बैटरी कम है और रिचार्ज करने का वक्त आ गया है, जिसके फौरन बाद कंपनी से फोन करके करीबी सुपर चार्जिंग स्टेशन की जानकारी ली गई। बीच राइड में ही हमें एक अलर्ट आया कि अब हम इससे ज़्यादा लंबी दूरी अभी तय नहीं कर सकते, अब चार्ज की ज़रूरत है, चार्ज करना होगा और चार्ज की आवश्यकता है। हेल्पलाइन का सेंटर नंबर यहाँ पर है, उस नंबर पर फ़ोन किया और उसने फिर बताया, ये देखिए कितना डिफ़ॉल्ट में सब कुछ और कितना सिस्टमेटिक है कि अंदर
उस कॉल के जरिए ये पता चला कि आपकी कार अब कितने मील चल सकती है, और उसके बाद अब इसको जब चार्ज की ज़रूरत है तो जिस रास्ते में आप जा रहे हैं नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट आपको कौन सा मिलेगा। उस नेविगेशन के थ्रू जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि मिडवे वर्जीनिया के रास्ते में हमें एक पार्किंग लॉट मिलेगा जो कि एक अपार्टमेंट पार्किंग लॉट है, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। और ये लाइन से चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं, देखिए 19 चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ इस पार्किंग लॉट में बनाए गए हैं। हमारी गाड़ी यहाँ चार्ज हो रही है क्योंकि हमारी गाड़ी ने हमें अलर्ट कर दिया था कि भैया अगर इससे आगे तुम्हें जाना है तो फिर तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। कमल यादव ने अपनी वंडर कार को चार्जिंग में लगा दिया और सिर्फ 35 से 40 मिनट की चार्जिंग के बाद उनकी ये कार 500 मील सफर के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। अमेरिका में इस वंडर कार की सफलता की वजह वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो कार बनाने वाली कंपनी ने पूरे देश में डेवलप किया है। अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो कार खरीदने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाएगा। अमेरिका के छोटे छोटे शहरों की बिल्डिंग्स के पार्किंग लॉट में भी चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये ऑल ओवर द कंट्री इन्होंने अपना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और हम लोग जब न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे, जैसा आपने देखा कि कार ने खुद ही बोला कि भाई नहीं पहुँच पाएगी, सो वी आर हेयर। और हम लोग एक वर्जीनिया के किसी छोटे आर्लिंगटन शहर में इस वक्त हैं, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सुपर चार्जर यहाँ लगे हुए हैं। ये जो कार की जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर कम हो रही है, लाइक जैसे आपने देखा कि ओनली 35 माइल्स लेफ्ट, सो कार इज इंटेलिजेंट एनफ कि अपने आप ये सिस्टम को शट डाउन करना शुरू कर देती है। ओके कि ऊपर का ओवर हीटिंग हेड बंद स्लो कर देगी, एयर कंडीशनर को बंद कर देगी, बोलेगी भाई इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छी खबर ये है कि भारत में ऐसी कारें जल्द आ सकती हैं। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, और उस दौरे में वो एलन मस्क से भी मुलाकात करने की उनकी उम्मीद है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये टेस्ला कार भारत की सड़कों पे भी दौड़ेगी, उसकी तैयारी हो रही है। और मुझे कोई यही बता रहा था कि टेस्ला ने बहुत सारी जगहों पे, ख़ास तौर पे भारत के दो तीन जगहों पे अपने लिए ऑफिसेज भी देखने शुरू कर दिए हैं और अपने लिए वहाँ एम्प्लॉयज़ भी हायर करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत में ऐसी कारों की सफलता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा, चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं बढ़ानी होंगी। आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आना है और आपके पास अगर सुपर चार्जर नहीं है, देन यू आर स्टक देयर, देयर इज नो वे यू कैन। आप अवॉइड करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदें। एग्जैक्टली, क्यों खरीदेंगे? यू डोंट वांट टू स्टक ऑन द हाईवे, एक रास्ते में खड़े हैं रात में 2 बजे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू प्ले आउट, एंड दैट विल, आई पर्सनली बिलीव कि उससे इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक आगे काफ़ी बढ़ सकती है। एंड ऑल्सो मेन थिंग इज दैट इट्स रियली एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये एक रणनीति के तहत ये स्ट्रैटेजिकली इन पॉइंट्स को लगाया गया, तो एक तरफ रेवेन्यू जनरेशन भी है प्राइवेट ऑपरेटर्स की जिनकी बिल्डिंग में ये चार्जर्स लगाए गए, और दूसरा टेस्ला ने अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको ये सुविधा दी कि इफ़ वी आर सेलिंग द कार्स टू यू, वी आर गिविंग ऑल द कम्फर्ट्स, वी आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज़ टू यू, कि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत ना हो। इलेक्ट्रिक कार्स को फ्यूचर कार भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बदलावों की गुंजाइश है, यानी इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस करने की भी बहुत जरूरत है। सबसे आखिर में इसके ऑटो पायलट मोड को लेके बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे सवाल भी उठे, और ये भी हुआ कि आप इस कार के ऑटो पायलट मोड को कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे आखिर में आपको ये बता दूं, इस कार में जब आप बैठते हैं और एक 2 से 3 मिनट, 4 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक अगर आप इसको ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं और इसकी स्टेयरिंग को टच नहीं करते, ऐसे बैठने के बाद जब तक आप इसकी स्टेयरिंग को टच नहीं करते, तो आपको ये अलर्ट करता है, आपको घर के एक अभिभावक की तरह अलर्ट करता है कि तुमने 5 मिनट से स्टेयरिंग को टच नहीं किया, मैं ऑटो पायलट मोड में इससे ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ, और इसलिए अब तुम्हें ये स्टेयरिंग पकड़नी होगी। और अगर आप वो स्टेयरिंग तब भी नहीं पकड़ते हैं तो ये कार थोड़ी दूर जाने के बाद आपको अलर्ट करके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। आप बैठे हैं और गाड़ी आपके कंट्रोल में है, 5 मिनट तक गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में डालने के बाद अब ये कंट्रोल कार ने खुद ले लिया। इस खास पेशकश में इतना ही, और हम वॉशिंगटन से तमाम डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग आप तक लेके आते रहेंगे। इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.